अरे अरे लाइन से आओ, लाइन से आओ। मुझे लाइन में नहीं लग रहा, देखो मैं जल्दी में लाइन से आना होगा, मुझे प्लीज जाना है। तो टिकट दे, टिकट दो। टिकट नहीं है मेरे पास। अरे वाह, इतने पीछे से लाइन तोड़ के आ रही, ऊपर से टिकट भी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। अरे टिकट दिखाओ ना। नहीं है मेरे पास टिकट। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? अरे भाई साहब, आप लोग को लड़ाई करना है तो साइड में आ जाइए, हम लोग को जाने दीजिए, हटिए आप लोग। अरे देखो ना भैया, पता नहीं कौन है ये लड़की, बिना टिकट के अंदर घुसे चली आ रही है। लो लो मेरा टिकट लो, इनको जाने। अजीब लड़की है। क्यों नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स प्लीज, बस रोके। मुझे नीचे उतारो। बस बस रोके। मुझे नीचे उतारो। खून, ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, मुझे नीचे उतारो बस। कमाल है, कोई आपके चेहरे में खून डाल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। ऊपर से उड़ता हुआ आया था। नीचे लो। बस 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 बस। मैडम मैडम, खून हुआ है, खून हुआ है। सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। लगता है किसने गोली मारी। लाश को नीचे उतार लो। देखो खोलो, गोली अभी भी अंदर आई है। चलाता कौन है ये फेरीवेल? मालिक कौन है इसका? सर मालिक तो यहाँ पर नहीं है, हम ही लोग चलाते हैं सर अभी। अच्छा, जो जो लोग इस फेरीवेल में बैठे थे उनको जाने तो नहीं दिया? नहीं सर, सभी लोग यहीं पर हैं सर। गोली किसने चलाई कुछ मालूम है? सर क्या पता सर, आप आज तो आई नहीं सर, दिखा भी नहीं सर। तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि इसे गोली लगी? सर जब ये मैडम चिल्लाई तो पता चला। सर अचानक मेरे ऊपर खून आकर गिरा तो मैं बहुत डर गई थी और इसलिए मैं चिल्लाई। आप बैठी कहाँ थी? इस लड़की के आगे वाली सीट पर। मतलब जैसे ही गोली चली खून के छींटे तुम पर गिरे? जी। सर जब ये मैडम चिल्लाई तो मैंने व्हील को रुकवाया और देखा कि वो मैडम मरी पड़ी थी।
तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? नहीं सर। ये लड़की कौन है किसी को मालूम है? अच्छा, ये इस लड़की के साथ कोई था और भी या फिर अकेली थी? सर हमने तो इसे अकेला ही देखा था। हाँ काजल, कुछ मिला? कोई आइडेंटिफिकेशन या कुछ? नहीं सर, इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं है। मगर सर गोली अभी भी अंदर है। गोली अंदर है? हाँ सर, ये देखिए पीछे कोई भी घाव का निशान नहीं है। इनके पास कोई पर्स वर्स कुछ नहीं था? हाँ, इनके पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। ये फेरी पे चढ़ने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने इनको अपना टिकट दिया था। सर थोड़ा जल्दी में थी ये और बार बार मुड़ के पीछे देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके पीछे पड़ा हो सकता था? चल सर, ये देखिए। क्या हो गया सर? इसकी मुट्ठी में कुछ है। क्या रखो ना? एक और साथ दो नंबर्स लेके घूम रही है। लड़की सिर्फ नंबर साथ में लेके क्यों घूम रही है? क्या चक्कर है? ये नंबर किसी रिमोट मोबाइल या कैलकुलेटर का लगता है। हाँ काजल, मगर ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे दिख भी नहीं रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इस नंबर की वजह से ही हुआ? हो सकता है सचिन, इन नंबर्स को पता करने के लिए उन लोगों ने इस लड़की का पीछा किया होगा। ये लड़की घबराहट में इस फेरी व्हील में चढ़ गई और जैसे ही ये फेरी व्हील नीचे आ रही थी किसी ने गोली चला दी। सर इस चलती हुई फेरी व्हील पर किसी को गोली मारना आसान नहीं है। काम पक्का किसी शार्प शूटर का है। बिल्कुल निखिल, एक काम करो, यहाँ इस फेरी व्हील में जितने लोग बैठे थे उन सबकी तलाशी लो। उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब ले लो। जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। ये नंबर तो किसी मोबाइल फोन के ही। ये बात तो मैं भी बता सकता हूँ। बता सकता है तो बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा आप नाराज हो जाएंगे, कह देंगे कि जो काम मेरा है वो फ्रेडी क्यों करेगा, इसीलिए आपके लिए छोड़ दिया। वैसे फ्रेडी होशियार हो गया। गुड फ्रेडी। थैंक यू। हो गया, लेकिन किस मोबाइल फोन का नंबर है ये? पेरिसविल के आसपास तो हमें कोई मोबाइल फोन मिला ही नहीं। सर मुझे लगता है वो लड़की सिर्फ नंबर लेके घूम रही थी। या तो इंस्पेक्टर के लंगूर है। इधर देख, वो लड़की अपने हाथ में नंबर लेकर के क्यों घूम रही होगी? जो मुंह में आ रहा बोलता चला जा रहा है, एक बार तारीफ कर दी तो। सर, हाँ। सर जिस गोली से खून हुआ है वो किसी पिस्टल से चली है, 0.32 mm की है। पिस्टल से? मगर वो गोली चलाने वाला था कहाँ पे? उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? अभिजीत, मेरे हिसाब से गोली 15 से 20 मीटर की दूरी से चलाई गई है। मुझे लगता है गोली चलाने वाला कहीं छुप गया होगा, किसी ने दिखाई नहीं दिया। सर लेकिन गोली इसके शरीर से आर पार नहीं हुई। आर पार इसलिए नहीं हुई होगी कि गोली जितनी दूर से चलाई जाए उसका फोर्स उतना ही कम हो जाता है, और गोली अगर कहीं अंदर जाकर के हड्डी पे अटक गई तो बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये गोली चली कहाँ से? ऊपर से या नीचे से? नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, घाव भी नीचे से ऊपर की तरफ। शायद यूं हुआ होगा कि व्हील जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था गोली चलाने वाले ने गोली चलाई यूं। मतलब हमें नीचे वो जगह ढूंढनी है जहां से कातिल ने छुप के गोली चलाई है।
काजल, निखिल, फेरी व्हील के आसपास ढूंढो, देखो उस लड़की का मोबाइल फोन कहां पर है। सचिन, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की को गोली करीब 15-20 मीटर की दूरी से चली थी। हाँ सर, गोली जब उसे लगी तो फेरी व्हील नीचे की तरफ आ रही थी सर, और उसके सीने में गोली लगी। पंद्रह बीस मीटर मतलब यहाँ इस तरफ होना चाहिए, खूनी शायद इस जगह पे खड़ा होगा और यहाँ से उसने गोली चलाई। सर अगर खूनी ने यहाँ से गोली चलाई उसका मतलब यहीं कहीं छुप के गोली चला रहा होगा, तभी तो उसे यहाँ पे किसी ने देखा नहीं। फेरी व्हील के आसपास देख लिया पर मोबाइल कहीं मिला। सर अगर मोबाइल होगा भी यहाँ पर तो मेले में इतने लोग आते हैं, किसी ने उठा लिया होगा। अजल, एक और चांस लेके देखते हैं। इस फेरी व्हील के 50-50 मीटर दूर तक ढूंढो। सर इतने दूर मोबाइल जाएगा कैसे? वो लड़की फेरी व्हील में बैठी थी और शायद मोबाइल उसके हाथ में होगा और ये फेरी व्हील तेज रफ्तार से घूम रहा होगा, तो जैसे उसे गोली लगी तो उसके हाथ से मोबाइल सटक के कहीं दूर जाके गिरा होगा। हाँ सर, हो सकता है। चलो देखते हैं। सर सर ये देखिए, मोबाइल तो पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये मोबाइल पानी में गिर के तो टूटा नहीं। हाँ निखिल, इस टूटे हुए मोबाइल फोन के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। देखते हैं इस मोबाइल फोन से क्या पता चलता है। अभिजीत, ये गोली चलाने वाला कोई एक्सपर्ट ही होगा, इतनी सफाई से गोली चलाई है कि इतने भीड़ भाड़ वाली जगह में भी किसी ने उसे देखा तक नहीं। मुझे लगता है दया खूनी वहां किसी दुकान के अंदर या उसके आसपास पहले से ही घात लगा के बैठा होगा। जैसे ही लड़की मेले के अंदर आई, झूले पे बैठी, लगा दिया निशाना। और अभिजीत, खूनी को कैसे मालूम था कि लड़की मेले में कब आएगी और झूले में कब बैठेगी? हो सकता है कोई पहले से उसका पीछा कर रहा हो, लगातार फोन पे बता रहा होगा कि लड़की यहां पहुंची है, यहां पहुंचने वाली है। सर, कोई भी पुलिस स्टेशन में उस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है सर। अच्छा, तो हो सकता है लड़की इस शहर की हो ही ना, कहीं बाहर की हो। जी सर, हो सकता है। सर, बहुत कोशिश कर ली सर, मोबाइल शुरू ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उसका सिम कार्ड निकाल लिया सर, ये देखिए। एक काम करो, इस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डालो और मेरे नंबर पर फोन करो, देखते हैं नंबर क्या है। जरा पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इसका सिम कार्ड चेक करो, देखो कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं। नहीं बस, सिम कार्ड खाली है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इसमें। कोई भी नंबर नहीं है? हो सकता है जानबूझ के डिलीट कर दिए होंगे। हो सकता है। देख, एक काम करो, इस नंबर के कॉल डिटेल्स निकालो। यस सर। पता चल गया सर, ये नंबर किसी किमी नाम की लड़की का है, कमलवाड़ी में रहती है। किमी कमलवाड़ी।
लगता है कि इनके घर वाले उसे ढूंढने बाहर चले गए। लेकिन घर वालों को कैसे पता चला होगा कि किमी खो गई है? करीब से दो दिन हो गए ना, अभी तक तो पता चल गया होगा। अब मैं वही बोलने वाला था सर। क्या बात है भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? आप लोग किमी को जानते हैं? किमी? हाँ, वो जो इस घर में रहती है। लेकिन कल से तो वो दिखी नहीं, लगता कहीं बाहर गई है। और इसके घर वाले? वो तो यहाँ पे अकेली रहती है, उसे घर में कोई भी नहीं है। और ये मकान भी किराए का है। मकान किराए का है? और ये मकान मालिक के बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? मकान मालिक यही पास में रहता है, पीछे की तरफ। पीछे ही रहता? पेड़ी, जरा पीछे जाके देखो, मकान मालिक मिलता है तो लेके आओ। यस सर। आप लोग इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं। दरअसल किमी का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ, इसीलिए कुछ पूछताछ करने आए। आप लोग कुछ किमी के बारे में बता सकते हैं? कैसी लड़की थी वो? हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो पड़ोस में ज्यादा बात नहीं करती थी। सर पहले भी पुलिस आई है। पुलिस आई है? हाँ सर। क्यों? सर हमने पूछा तो कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। ऐसे पुलिस वाले पहले से ही किमी को ढूंढ रहे हैं? सही लड़ी, कुछ गड़बड़ होगी। हो सकता है। एक काम करते हैं, जरा अंदर चल के देखते हैं। ओहो, सब कुछ सामान बिखरा पड़ा है। लगता है हमसे पहले कोई आया है यहाँ पे। शायद कुछ चोरी वोरी हुई है या फिर कुछ ढूंढने सब हो सकता है। जरा देखो क्या ढूंढने की कोशिश की गई है। ये देखिए सर, कितने कीमती कीमती सामान रखे हुए हैं यहाँ पर। सारी मूर्ति तो काफी कीमती होगी ना, लेकिन चोरने से हाथ तक नहीं लगाया। शायद कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। इससे भी कीमती हो सकता है। जरा देखो क्या चीज है वो। सर ये मकान मालिक। ये क्या सर, आप लोगों ने आते ही पूरे घर को उधेड़ के रख दिया? नहीं, अभी उधेड़ेंगे। ये तो हमसे पहले करके गया है कोई। शायद आपको मालूम है किसने किया है। नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा। मैंने जिस दिन से यह घर किराए पर उसे दिया है, आज पहली बार इसमें कदम रखा है मैंने। अच्छा, आपको मालूम है उस लड़की के बारे में जिसे आपने किराए पर कर दिया था? नहीं सर, मुझे उसके नाम के अलावा कुछ नहीं मालूम। कमाल है, आपको कुछ पता नहीं, ऐसे ही घर दे दिया। कोई आतंकवादी हो तो कुछ नाम पता ठिकाना कुछ तो बताया होगा उसने। सर मैंने उसे नाम ही नहीं पूछा। जब वो आई थी तो उसकी हालत इतनी बुरी थी और किसी ने उसका सामान भी चोरी कर लिया था। अब सर मुझे उसके ऊपर दया आ गई और बिना पूछे मैंने उसको किराए पर दे दिया। कमाल है, कमाल है। और हालत बुरी थी हैं? दो महीने के अंदर इतना कीमती सामान इकट्ठा करके रखा है उसने। सर पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला है सर, शायद सबसे कीमती यही हो। ये इस नक्शे के बारे में आपको कुछ मालूम है, जानते हैं कुछ? नहीं सर, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बुलाएंगे, समझे आप? जी सर। काम करो, नक्शा ब्यूरो लेके चलो। इतने कीमती कीमती सामान के साथ इस नक्शे से मिलने से लग ही रहा है सर ये कोई गैंग है जो डकैती डालता है, लूटपाट करता है। वैसे अभिजीत,
इस नक्शे को देखकर पता नहीं चलता कि ये कहां का नक्शा है। इतना जरूर है कि ये नक्शा किसी बिल्डिंग के अंदर का प्लान है। यहाँ पर कमरे हैं और यहाँ पर ये तिजोरी भी है। और सर यहाँ ये सिक्योरिटी का कमरा बना हुआ है। सर ये कोई हाई सिक्योरिटी वाली जगह है सर। हर बार एक नया सवाल, इतने सारे सवालों को सुलझाते सुलझाते नाक में दम आ गया। तुम्हें किस बात की टेंशन है पेटी? अपनी वाइफ को फोन कर लो, वो तो सब जानती है। अरे सर उसे फोन मत करना, डांट देगी, कह देगी कि तुम इतना भी पता नहीं लगा सकते कि ये नक्शा है कहाँ का। कहाँ का? जब आप लोग नहीं बता सकते तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ। ऐसी तो कई सारी बिल्डिंग है शहर में। रेडी, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इससे ये पता चलता है कि ये असली नक्शे की कॉपी है जो टाउन प्लानिंग से आई है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जहाँ पर घरों और बिल्डिंगों के प्लान बनते हैं, वहां से पता चल सकता है ये किस बिल्डिंग का नक्शा है। हाँ सर। देख काम करो, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से पता लगाओ कि ये नक्शा है किस बिल्डिंग का। यस सर। हाय विवेक, क्या पता चला इस किमी के मोबाइल के बारे में? सर किमी ने वो मोबाइल नंबर 2 महीने पहले ही खरीदा। 2 महीने पहले? और ये कॉल लिस्ट? ना तो किमी ने किसी को फोन किया और ना ही किसी का फोन आया उसे। कमाल, 2 महीने से किसी ने उसे फोन नहीं किया, मतलब किसी को मालूम नहीं था कि किम के पास ये नंबर है और ना ही उसने किसी को फोन किया, तो फिर ये मोबाइल लिया क्यों उसने? इस नक्शे के बारे में पता चल गया सर, ये कहाँ का है। कहाँ का? सर किसी सिक्योरिटी वाली कंपनी का है सर, सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी। सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी? लगता है ये नक्शा उस कंपनी में से ही चुरा गया है और शायद उन लोगों को पता भी नहीं है। पता लगाना पड़ेगा इस सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में से। मिस्टर ओंकार जी कहिए, मेरा ही नाम ओंकार है। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो बड़े बड़े एग्जीबिशन में कीमती सामान होते हैं उनको सिक्योरिटी देती है ना? यस यू आर राइट। कहिए आप लोगों को किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए? जी नहीं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम लोग CID से। CID? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ तो है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ हुआ है। बट नहीं ऑफिसर, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। तो फिर चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, इतने डर क्यों गए? मैं डरा हुआ? नहीं ऑफिसर, मैं तो बस आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी है कि। मिस्टर ओंकार, हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले एक लूट हुई है, काफी कीमती सामान लूट के ले गए हैं लोग। क्यों ऐसा हुआ है ना? जी हाँ ऑफिसर, यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई है, करोड़ों रुपए का सामान चला गया ऑफिसर, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो फिर बताया क्यों नहीं, पुलिस से छुपाया? क्या क्या चोरी हुआ है? सर कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला था, करोड़ों रुपए की ज्वेलरीज यहाँ रखी थी, चोर सब चुरा कर ले गए सर। उन लुटेरा के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर CCTV कैमराज तोड़ कर चले गए और कैसेटें भी साथ ले गए, कुछ जली हुई कैसेट यहाँ छोड़ के गए। ये देखिए सर, ये टेप तो छोड़ गए सर। टेप चला गया? लेकिन आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? कमाल का आदमी है सर, करोड़ों की चोरी हो गई और रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। कहीं कुछ और बात तो नहीं? नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं है। वो तो क्या बात है, क्या बात है सर, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ सर। आइए सर। अरे ये सब क्या है, किसकी लाश है? सर ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ की देखभाल किया करता था, चोरों ने इसे गोली मार दी। अरे तो फिर इसकी लाश यहाँ पे क्यों रखी है? सर ऋषि के कहने पर। ऋषि कौन है ऋषि? सर ऋषि एक सीनियर कॉप है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आपसे ऐसा करने को क्यों कहेगा? एक्चुअली ऋषि मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिला तो मैं घबरा गया,
मुझे लगा कि मैं अकेला इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ऋषि की मदद ली। ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब उसी ने लगवाए। उसके बावजूद भी ये चोरी हो गई? जी सर। और सर मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन ऋषि ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया और उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो लुटेरों को ढूंढ लेगा और मुझे मेरी ज्वेलरी वापस करवा देगा। कमाल है सर, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही बताएगा। जरा इस ऋषि को ब्यूरो में बुलवाओ और ये लाश फॉरेंसिक लैब भिजवाओ इसे। हम लोग मिस्टर ऋषि के घर पे गए थे सर, मगर वो घर पे है ही नहीं। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं सर, उनके घर पे तो कोई है ही नहीं। पड़ोसियों को भी उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कमाल है, मिलने के लिए ब्यूरो में बुलाया था, ब्यूरो तो आया नहीं है। कहाँ है ये? हेलो मिस्टर ऋषि। जी मैं अभिजीत बोल रहा हूँ, आप ब्यूरो आने वाले थे ना मिलने के लिए? जी हाँ, काम तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन ठीक है, आप जब वापस आएँ तो प्लीज़ फ़ोन करिएगा। कमाल है, मिलने के लिए बुलाया था यहाँ पे नहीं आए, अभी कह रहे हैं किसी केस के सिलसिले में मुंबई से बाहर चले गए। सर मुझे तो बात कुछ और ही नज़र आ रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सचिन, ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो इस वक्त उसका मोबाइल कहाँ पर है, मुंबई में है या बाहर है। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। जी हाँ सचिन, आप कौन? हेमा? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, नहीं अभी बिजी हूँ। अच्छा एक काम था तुमसे, एक नंबर नोट करो, 1272829222। अच्छा मुझे ये पता करना है कि इस नंबर की लोकेशन क्या है। हाँ अभी इसी वक्त। श्योर, थैंक यू। सर मिस्टर ऋषि मुंबई में है और उनका मोबाइल कहीं मठ के आसपास है। कमाल है, एक सीनियर ऑफिसर होके झूठ बोल रहा है वो, कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। लो भैया ये गोलियां तो मैच हो गई। देखो ये गोली इस सिक्योरिटी गार्ड के पेट में से मिली है और ये वाली गोली किन्नी की बॉडी में से मिली है। मतलब दोनों गोलियां एक ही गन से चली है? गोलियां तो ये बता रही। सिक्योरिटी गार्ड को मारा तो मारा, लुटेरों ने किन्नी का भी खून कर दिया। सर सिक्योरिटी एजेंट की तो मौत इसलिए हुई होगी कि उसने लुटेरों को रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन किमी को क्यों मारा? किमी तो उनके साथ वाली थी ना, उन्हीं के गैंग की। वही तो, अपने ही गैंग वाले को मार दिया। एक काम करो, किमी का जो मोबाइल मिला था ना उसको अच्छी तरीके से चेक करो, देखो उस मोबाइल से हमें क्या पता चलता है। कि किमी ने ना ही अपने मोबाइल से किसी को फोन किया और ना ही उसके मोबाइल पे किसी का फोन आया। मैं भी ये सोच रहा हूँ सचिन कि उसने फोन रखा ही क्यों था, कुछ ना कुछ तो है इस फोन में। अभी कुछ मिला फोन में? सर बस अभी अभी कनेक्ट हुआ है, देखता हूँ सर। कनेक्शन हो गया? यस सर। चलो देखते हैं क्या छुपा के रखा है इसने मोबाइल पे। सर इसमें कुछ फोटोज है सर। वेरी गुड विवेक, जरा इसे एलसीडी से कनेक्ट करके दिखाओ। यस सर। ये तो किमी है, उसके साथ में कुछ और लोग भी हैं। जरा आगे बढ़ो।
हर फोटोग्राफ में आदमी तो वही है, मगर ये फोटोग्राफ अलग अलग जगह पे लिया गया है। एक बात देखे थे, ये जितनी भी फोटोग्राफ खींची गई है अजीब अजीब एंगल है, ऐसा लगता है नीचे से खींची गई है, शायद कोई छुप के फोटो खींच रहा था। आगे बढ़ाओ सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा इस फोटो को बड़ा करो। पूरे घर में सिर्फ एक नक्शा ही मिला ऐसा, शायद सबसे कीमती यही हो। आ, तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा है अभिजीत, जैसे हमें किमी के घर में मिला था। नक्शे को लेके प्लानिंग हो रही है सर। ये किमी एक चोर थी, हो सकता है चोरी की प्लानिंग कर रही है। वो चोरी हुई थी ना वो सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में, शायद ऐसा हुआ हो कि चोरी का माल बांटते वक्त आपस में झगड़ा हो गया हो और उन लोगों ने किमी को मार दिया हो। इन फोटोग्राफ्स में किमी के साथ जितने भी आदमी हैं इन सबको पहचानने की कोशिश करते हैं, इन सब की कुंडली निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग है ये। सर एक तो ऋषि ने हमसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, और तो और फार्म हाउस में आके छुप गया। सिन अगर कोई कॉप झूठ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है। ये तो मालूम ही होगा कि उसके मोबाइल फोन से पता किया जा सकता है कि वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब ऋषि किसी मुसीबत में। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, देखते हैं संभाल के। ऋषि है ओ, सीआईडी यहाँ पे? आ, क्यों? हमें देख के चौंक क्यों गए? क्या हुआ? आप लोग यहाँ पे क्यों आए? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हर बात आप लोगों को बताना जरूरी नहीं है। जरूरी है। सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में जो डकैती हुई थी उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिखवाई तुमने? कभी कभी छुप छुप कर काम करना जरूरी होता है दया, और ये बात आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। तुम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे थे, तुम तो अपना काम कर रहे थे, हमें तो बता सकते थे। मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है दया। सर जब कोई पुलिस वाला डकैतों के साथ मिलकर काम करता है ना तो उसे छुप छुप के ही काम करना पड़ता है। लगता है आपका भी हाथ है उसमें। जरा जवान संभाल के बात करो। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की लाश वहां पड़ी पड़ी सड़ रही थी, क्या मतलब इसका? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे वजह से एक लड़की की मौत हो गई है, ये सब क्या हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा ही तुम्हें। मैं इस केस पे काम कर रहा हूँ दया, और काफी आगे निकल चुका हूँ, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बता सकता। अच्छा सर, मैं बीरो लेके चलते हैं, ये अपने आप वहाँ पे सब उगल देंगे। धमकी दे रहे हो? एक सीनियर ऑफिसर को धमकी दे रहे हो? ठीक है, तुम एक सीनियर ऑफिसर हो इसलिए तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ मैं। तुमने ये सब क्यों किया इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, मगर सिर्फ 2 दिन। मैंने उन्हें झूठ बोलकर टाल दिया है, प्लीज अब तो हमें जाने दो। झूठ बोलना तो तेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये तेरे बीवी बच्चे हमारे पास थे, वरना ये सीआईडी वाले एक नंबर के कमीने कमीने। मेरा बस चले तो इन्हें सामने खड़ा करके गोली मार दूं एक साथ। क्यों क्यों मरवाना चाहता अपने बीवी बच्चे? प्यार से बता देना कहाँ है वो चोरी का सामान। मुझे मालूम होता तो मैं जरूर बता देता, ये वाकई नहीं मालूम है। क्या बोलता संपत, ये सच बोल रहा है? ये लोग अगर गरम तवे पे भी बैठ के बोले ना तो मुझे इनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होगा। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ले भाई, अब तो संपत ने मना कर दिया, अब कौन बचाएगा तेरे बीवी बच्चे को? सॉरी, माफ करना। ऊपर वाला जिसे बचाना चाह रहा है उसे कोई नहीं मार सकता। सर जिंदा है, सिर्फ बेहोश है। सर ये भी जिंदा है। गुड, एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। बताता हूँ।
वही लोग जो क्वीन के साथ फोटोग्राफ में थे? हाँ सर। चलो इन्हें लेके चलो, उनका हलवा बनाते हैं। अरे वाह, जैसे ही तुम दोनों की पूजा हुई सारे डायलॉग ही बदल गए। इस गन को पहचानते हो? ध्यान से देखो, ये वही गन है ना जिससे तुमने किमी और सिक्योरिटी गार्ड का खून किया? कुछ याद आया? यही गन थी ना? हाँ? कैसे करना? याद आई कौन सी गन? यही गन थी वो? आजाद। किमी को और सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब वो किमी चोरी का सारा माल लेके भाग गई थी। मगर तुम लोग तो साथ में मिलके चोरी करते थे ना? हाँ? तो फिर वो सामान लेके भाग कैसे गई? वो हमारे साथ भी थी और इनके साथ भी मिली ही थी साहब। इन दोनों ने मिलके चोरी का सामान मारजाने की तरफ छुपा दिया था साहब। इसलिए ऋषि साहब के मुंह पे ताला लगा हुआ है। सुन लिया ऋषि जी, क्या कह रहे हैं ये लोग? बकवास कर रहे हैं ये लोग, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, जो भी मुंह पे आ रहा है बके जा रहे हैं। तो जो मालूम है वो बता दीजिए, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग एक मामूली चोर और गुंडे हैं दया, इन्हें क्या मालूम कि किमी एक पुलिस वाली थी। शी वॉज एन अंडरकवर कॉप। किमी एक अंडरकवर कॉप थी? जी हाँ, और हम लोग इस गैंग के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे दया। मौका पाकर किमी चोर बनकर इस गैंग में घुस गई थी और वो इस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन तुमको देती थी। हाँ, जहां कहीं भी चोरी होने वाली थी उस जगह का फोटो खींचकर मुझे वो कुरियर से भेज दिया करती थी। तो इसीलिए उस मोबाइल पे हमें नंबर्स नहीं मिले, सिर्फ फोटोज ही फोटोज मिले। मतलब ये मोबाइल फोटो खींचने के लिए लिया गया था। और उस फोटो से मुझे पहले ही पता चल जाता था कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। सन क्लियर सिक्योरिटी में भी रखी ज्वेलरी की चोरी का पता मुझे पहले ही चल चुका था क्योंकि किमी ने मुझे फोटो भेज दिया था। जब तुम्हें मालूम था कि सन क्लियर सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी होने वाली थी तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है दया कि इस गैंग के पीछे हाथ किसका है, मास्टरमाइंड कौन है इस गैंग का। अब जल्दी बताओ तुम दोनों किसके लिए काम करते हो? हमने उसे कभी नहीं देखा साहब, उसे जो भी काम करना होता था वो लेकर भेज देता था साहब। मगर वो तो इस लूट में आने वाला था। तो आया वो? वो आया ही नहीं क्योंकि उन्हें मेरे और किमी के बारे में शायद पहले से पता चल गया था। इसीलिए किमी लूट का सारा सामान लेके भाग गई? हाँ। तो फिर वो लूट का माल है कहाँ? किमी ने सारा सामान छुपा दिया कहीं पे और अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ छुपाया है उसने। विवेक, जरा जल्दी से वो किम के मोबाइल में से जो फोटो मिला है हमें वो जरा खोलो। यस सर। देखो उस फोटो पर कोई नंबर चिपका हुआ होगा। यस सर। हाँ। ये देखिए 31082011001 है, काफी लंबा नंबर है सर। हाँ भैया, तो सब पहले 8 डिजिट्स को पढ़ो। ये तो कोई तारीख लगती है, 31/8/2011। एग्जैक्टली, ये तारीख है। और आगे के जो नंबर्स है ना 001, इसका मतलब है एक नंबर वाला फोटो। मतलब सर ये किमी 1 और 7 नंबर की फोटो किसी को दिखाना चाह रही है। हाँ सर, 1 नंबर और 7 नंबर में क्या संबंध हो सकता है? गुंडे ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि किमी ने वो ज्वेलरी किसी ऐसी जगह पे छुपाई हो जो इन फोटोग्राफ में। हो सकता है सर, क्योंकि किमी के हाथ में 1 नंबर और 7 नंबर था। सर पहले 1 नंबर वाला फोटो ध्यान से देखते, शायद उसमें कुछ दिख गया। नहीं फ्रेडी, 1 नंबर वाला और 7 नंबर वाला अलग अलग फोटो नहीं है, ये एक ही नंबर है। 1 ही नंबर और 1 ही फोटो, 1 और 7 17 या फिर 7 और 1 71। विवेक जरा 17 नंबर की फोटो खोलो। यस सर। सर ये फोटो तो उस मेले में किसी दुकान की है। हाँ दया, अब विवेक जरा 71 नंबर वाली फोटो खोलो। और 71 नंबर की फोटो है ही नहीं। सही के मतलब है
फोटो नंबर 17, किमी ने वो ज्वेलरी मेले की इसी दुकान में छुपा के रखी है। यहां देखते हैं। इस फोटो में तो लोकेशन यही की है। एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं, देखते हैं ज्वेलरी कहां छुपाई हुई है। सर यहां पे तो कुछ भी नहीं है। देखो निखिल, कीमती ज्वेलरी है, ऐसे कोई छोड़ के नहीं जाएगा। देखो कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। देखो के ज्वेलरी इसके नीचे छुपा के रखा था। माय गॉड, ओह ज्वेलरी, इसका मतलब किमी का खून इसकी वजह से हुआ। को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था कि सारा माल पोस्ट बॉक्स में डाल देना। करोड़ों का माल है बॉस, ऐसे कैसे छोड़ देते? ठीक है, ये माल मुझे दे दो और तुम सब लोग अब अंडरग्राउंड हो जाओ। 5-6 महीने तक तुम में से कोई भी कहीं नजर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, शहर के बाहर जा रहे हो? टिकट तो लेते जाओ। एक, कौन है लाइटमैन को? अरे हम लोगों ने तुम सबके लिए टिकट के बंदोबस्त किया है। टिकट देखने के लिए लाइट तो लगेगा ना। सीआईडी, कहाँ भाग रहा है? बोल, क्यों किया आपने सिक्योरिटी एजेंसी में चोरी? आदत से मजबूर था ऑफिसर। कैसी आदत? चोरी की आदत ऑफिसर, मेरा असली धंधा चोरी करना है। मुझे जहां भी चोरी करनी होती थी मैं उस जगह का नक्शा देख लेता था, उसके बाद प्लान बनाकर उसे लूट लेता था। और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का प्लान तो तुझे पहले से ही पता था। हाँ ऑफिसर, उसे लूटने में तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। ये तुम्हें कब पता चला कि किमी एक अंडरकवर कॉप है? ऑफिसर ये बात मुझे ऋषि ने बताई थी। क्या? ऋषि क्यों बताएगा? वो खुद भी एक कॉप है। ऑफिसर ये भी मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। माल गायब करने के बाद मैंने ऋषि को अपने पास बुलाया। वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया। मैंने उससे कहा कि जो माल मैंने अपनी सिक्योरिटी कंपनी में रखा था वो इंश्योर्ड नहीं था, पर ऐसी हालत में उसका सारा पैसा मुझे ही चुकाना पड़ेगा। और वो मेरी बातों में आ गया। उसने मुझे बताया कि जिन चोरों ने ये काम किया है उनकी गैंग में एक अंडरकवर कॉप भी शामिल हो चुकी है। और जैसे ही तुम्हें किमी के बारे में पता चला तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। हाँ ऑफिसर, मगर वो सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई। और मेले में तुमने किमी का खून करवा दिया लेकिन वो ज्वेलरीज तुम्हें नहीं मिली। गुनाह करके बचना इतना आसान नहीं, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। अब जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे या फिर फांसी पे लटकोगे। फॉर मोर अपडेट्स
Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.